उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पति की दूसरी शादी करने की सूचना पर अचानक बैंक्वेट हॉल पहुंच गई। बता दें कि विवाहिता 2 साल पहले पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद फिलहाल मायके में रह रही थी। वहीं मौके पर तकरार में दोनों पक्षों में मारपीट के बाद भगदड़ मच गई और पुलिस स्टेज से वरमाला पकड़े खड़े दूल्हे को पकड़कर पूरनपुर कोतवाली ले आई। हालांकि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के हवाले से कहा है, बरेली थाना बरदारी की रहने वाली सुमन सिंह का कहना है कि उसका विवाह 28 नवंबर 2012 को शाहजहांपुर निवासी इंजीनियर आशीष के साथ हुआ था और विवाह के दौरान विवाहिता के परिजनों ने 30 लाख रुपए खर्च किए थे और शादी के कुछ दिन बाद ही विवाहिता का पति सास और ससुर से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा और परेशान महिला ने बरदारी थाने में पति सहित 3 के खिलाफ जुलाई 2019 में ही मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने क्या किया, अभी हमारा डिवोर्स केस नहीं हुआ है, जबकि कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अभी कोर्ट बंद होने की वजह से यहाँ वहाँ की कोई कार्रवाई सब बंद है, तो इसीलिए इसका फ़ायदा उठाते हुए लॉकडाउन को देखते हुए तो इन्होंने ये किया कि अपने लड़के की दूसरी शादी कर ली। और मुझे इनके पिता ने खुद से मतलब फ़ोन करके बताया अननोन नंबर से, तब मुझे ये पता चला पूरा वादा कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि ये शादी रुके।